रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का फर्स्ट लुक जारी, देखकर जनता ने सुनाई खरी खरी। बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें रणदीप हुड्डा काली टोपी और सावरकर जैसा चश्मा लगाए हुए लुक में नजर आ रहे हैं। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का फर्स्ट लुक वीर सावरकर की जयंती पर आज जारी किया गया है। हुड्डा फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म के लिए हुड्डा काफी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपना वजन भी घटाया है ताकि वे सावरकर की भूमिका में सभी को पसंद आए। फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर कर रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक को देखने के बाद जनता ने सावरकर की सच्चाई सोशल मीडिया पर फैला दी है। समाज सेवक होने का दावा करने वाले सोशल मीडिया यूजर राज सोनी ने बीबीसी की रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा, एक नज़र इधर भी, 9 सालों में उन्होंने यानी सावरकर ने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिए, निरंजन तक ले। सत्यनारायण नाम के ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया गया है जिसमें शहीद भगत सिंह और सावरकर के बारे में बताया गया है। तस्वीर में लिखा है, शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी को चुना, सावरकर ने माफी को चुना। फिल्म में सावरकर का किरदार निभा रहे एक्टर रणदीप हुड्डा को आरजे रिया ने ट्वीट कर कहा, एक अभिनेता को एक ऐसे चरित्र को चित्रित करते हुए देखना वास्तव में शर्म की बात है जो अंग्रेजों को माफी पत्र देता है। रणदीप हुड्डा, अगर आप भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाते तो ये एक सम्मान की बात होती, क्योंकि वे माफी मांगने के बजाय अपनी जान देना पसंद करते, लेकिन आपने सावरकर का किरदार निभाने का फैसला किया। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके।